42-43,000 खाली किसका? सिस्टम का सर। ठीक है, और बाकी? बाकी तो गाड़ी में देख लो क्या क्या लगा आपका। नियर अबाउट 2 लाख रूपये लगेगी अभी तक। चल दिया इस सफर के संग मंजिले। गाइस ये देखो 100,000 डॉलर के स्कूटी पे स्क्रैचेस बच चुके हैं। डोर कोई लेके अपना रंग रंग। हाँ जी, जी की हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube पे वीडियो पे। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। फटाफट चलते हैं गाइस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल रोज की तरह हमारा ब्लॉग हमारे घर से स्टार्ट हो रहा है और होता ही रोज घर से है। नई जगह नहीं है कोई तो ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करना है गाइस। यार देखो मैं आपको बताऊँगा, रियल मेरी जैसी लाइफ चल रही है वैसी मेरी लाइफ कोई ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं है, ना कोई इतनी शो करो वाली है। मेरी लाइफ है सिंपल लाइफ जैसे सारे जीते हैं, एक सिंपल लाइफ जैसे सबकी होती है। सुबह उठना, खाना पीना, बाहर जाना, घर के काम कर रहे, ये लाइफ होती है सबकी, ठीक है। और मेरी लाइफ में भी यही है, ठीक है। नहीं गाइस, मेरी स्कूटी पे किसी ने स्क्रैच मारे हैं, समझिए ना, बहुत गंदे गंदे स्क्रैच मारे। किसी ने ऐसा लग रहा है कि ईंट से ना, ईंट से ऐसा लग रहा है किसी ने ईंट से स्क्रैच मारा। जिसने भी किया उसको हम पकड़ लेंगे, कैमरा को हम देखेंगे। ये काम मत किया करो यार कि स्कूटी फेड़ी या स्कूटी में स्क्रैच मार के चल जाओगे। जो हम मैंने आपको पिछले ब्लॉग में सरप्राइज दिया था, वो सरप्राइज हमारे पास आ चुका है। गाड़ी आ गई है हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ। अभी वो बेस मॉडल को फुली टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो रही है। अलॉय वगैरह उसके हम हमने जाएंगे कल परसों तक, उसके अलॉय वगैरह डिसाइड करेंगे। तो गाइस वो मतलब मेरे ख्याल से हम 1 इन इंडिया स्विफ्ट बनाने वाले हैं उसको। ये हुई ना बात गाइस, गाड़ी का नाम निकल गया गाइस, नहीं सुना होगा आपने, मुझे पता है। तो गाइस 1 इन इंडिया बनाने वाले हैं उस गाड़ी के। तो गाइस ट्रक मिलता है आपको स्कूटी। मलंग 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 रहूं मैं मलंग मलंग। तो गाइस गर्मी देख रहे हो, इस गर्मी में ब्लॉग बनाने निकलो आपके लिए, पर मुश्किल है गर्मी में ब्लॉग बनाना गाइस। देख लो कैसे कवर होकर जाना पड़ता है। ओहो अरे कितनी गाड़ियाँ आ रही, जाओगे जाना गाइस, पर हम निकल जाएंगे। चल दिया इस सफर के संग मंजिले ना। गाइस ये देखो 100 क्या 100,000 डॉलर के स्कूटी पे स्क्रैचेस बच चुके हैं। ये पता नहीं अभी आया यहाँ पे तुषार, अंदर गया स्कूटी लेने, ओ हेलमेट लेने, स्कूटी तो इधर है, इस पे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, नुकसान हो गया। नुकसान कितने का हुआ है? कहाँ गया? अभी आएगा ये आया। आपकी अभी स्कूटी का खर्चा कितना आएगा भैया? भैया इसका पता नहीं, पर जब लोगों की चलती है ना के सब्सक्राइबर के इमोशनल डैमेज जब फटती है ना लोग ये काम करते हैं लोग। कितने की स्कूटी है? 100,000 डॉलर्स। $100,000 तो आज करने वाले हम टैटू रिमूवल इनके हाथ का। तो गाइस इनसे पूछते हैं कि इनके हाथ की अभी कितनी टैटू रिमूवल सिटिंग हुई हुई है, और ये मेरे से हो रही है फर्स्ट सिटिंग, तो बाकी का हम रिव्यू इनसे पूछते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस गया आपका इस रिमूवल सिटिंग्स के साथ, और बाकी टैटू का क्या रिजल्ट था, और किसने किया कैसे किया, वो पूरी आप अपना बारे में बताएं। जहाँ से टैटू मैंने ये बनवाया था तो वहीं से इसकी सिटिंग रिमूवल की करवाई थी। 4 सिटिंग उन्होंने की हुई है, अभी 5वीं सिटिंग होगी, बट वो पहली आपके पास पहली सिटिंग है। तो जो 4 सिटिंग की थी उसमें तो कोई डिफरेंस लगा नहीं, शेडिंग वैसी है, डार्कनेस वैसी है, बर्न आउट हुई है, उल्टा स्किन खराब हुई है। तो तभी मैंने यहीं पे प्रेफर किया कि यहाँ पे रिमूवल किया जाए। तो जब वो उन्होंने जो आपका टैटू बनाया था आपका, उस अकॉर्डिंग थोड़ी डायरेक्शन दे दी थी, टैटू थोड़ा खराब, तो आपने उसके लिए ये रिमूव करवाया कि मेरा हाथ खराब लग रहा है। अच्छा, तो उन्होंने टैटू भी खराब बनाया, आपसे रिमूव करने के पैसे भी ठीक है, दोनों चीजों के वहीं से। आपने भी टैटू रिमूव के पैसे दिए और टैटू बनाने के पैसे दिए, तो आपको मेरे बारे में किसने बताया? मेरे ब्रदर ने बताया था। तो उनका भी टैटू रिमूव किया आई थिंक, नहीं उन्होंने बनवाया हुआ है। ओके, तो बाकी का अभी हम आपको रिजल्ट बताते हैं। आपने हमारे रिमूवल के रिजल्ट्स तो देखे होंगे, आपने भी हमारा पूरा स्टडी करके आप हमारे पास आए हैं, तो 100% रिजल्ट है, तभी तो मैं बाकी सिटिंग यहीं से करवा। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम शुरू कर रहे हैं इनकी टैटू रिमूवल की फर्स्ट सिटिंग, तो बाकी का रिजल्ट आपको बाद में, और अभी हम करते हैं शुरू। डोर कोई लेके अपना रंग रहूं मैं मलंग मलंग मलंग। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, मैं और तुषार, बिकॉज मैंने नई गाड़ी ली है, बिकॉज वो भी आपको मैं बताना भूल गया।
तो उसको हम करवा रहे हैं नई मॉडिफिकेशन, नए मॉडल की जो स्विफ्ट आई है वो ली है अभी इस टाइम पे, तो भाई हम उसको मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, उसमें फिट करवा रहे हैं म्यूजिक सिस्टम। तो गाइज म्यूजिक सिस्टम लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं उसकी साउंड, और जो सिस्टम उसमें लगाया ना भाई बहुत बढ़िया, और मैं कह रहा हूँ बहुत हैवी म्यूजिक सिस्टम है स्विफ्ट में, तो वन इन इंडिया स्विफ्ट करेंगे हम भी, तो देखते हैं स्विफ्ट क्या बनी है। सो फाइनली गाइज अभी हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, तो ये लगी अपनी गाड़ी, हाँ ये लगी है। तो गाइज नंबर भी आपको इसके लिए दिखाता हूँ, आपको नंबर कौन सा नंबर देख लो, इसको भी थार वाले लगा हुआ है, तो भाई इसमें लगवा दे, क्या हाल है। तो भाई सिस्टम इसमें लग गया, मुझे लग रहा है। तो गाइज अभी हमने अपनी स्विफ्ट में ये वाला स्टीयरिंग जो है ये भी डलवाना है, तो बाकी भैया अभी हमने क्या क्या किया गाड़ी में, फुल बेस टू टॉप अपग्रेड किया गाड़ी हमने, बेस टू टॉप फुल अपग्रेड कर दिया, और कितना खर्चा आ गया, 42-43,000 खाली किसका, सिस्टम का सर। ठीक है, और बाकी तो गाड़ी में देख लो क्या क्या लगा आपका, नियर अबाउट 2 लाख रूपये लगी अभी तक। ठीक है, तो बाकी अभी आपको सिस्टम सुनाते हैं पूरा गाड़ी के अंदर क्या है, टेल लाइट तो ऑलरेडी कंपनी ने इस बार चेंज दी हुई है, और अब डलवाएंगे इसके अंदर ये वाला फुली टॉप मॉडल का स्टीयरिंग है ये, तो ये टॉप मॉडल का स्टीयरिंग हम इसमें डलवाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलो सिस्टम ही खाली हमारा 40-45 हज़ार का सिस्टम हो गया, और उससे ऊपर कुछ आती है सिस्टम की सीरीज, अभी वो हम अभी अपग्रेड करने वाले हैं ना। गाइस अभी ब्लॉग बना के पाया था घर पे, और गाइस इतनी मुश्किल से घर पहुंचा ना, वहाँ देख रहे हो देखो, तो वहाँ चेक करो वो देखो भाई क्या तूफान आ रहा है गाइस।